अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और आप लोग अच्छे से ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को डिटेल से कवर करना है। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने जानना है कि एक्सेलरेशन से क्या मुराद ली जाती है, यानी एक्सेलरेशन जो है किसी ऑब्जेक्ट में कब पैदा होता है, एक्सेलरेशन मालूम करने का हिसाबी फार्मूला क्या है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन की कितनी टाइप्स हैं, और उसके बाद देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है। एंड पे हम लोग दो प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और उन प्रॉब्लम्स में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना सीखना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी। ये वीडियो है कि एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो कब पैदा होता है, कब, ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी भी जिस्म की जो वेलोसिटी है वो तब्दील होती है, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब जानते हैं कि किसी जिस्म की जो वेलोसिटी है वो कब चेंज होती है, यानी वेलोसिटी में कब जो है तब्दीली आती है, वेलोसिटी में कब तब्दीली आती है, ये जान लेते हैं। जब दोस्तों किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड तब्दील होती है या डायरेक्शन तब्दील होती है या दोनों तब्दील होती हैं, तो वेलोसिटी में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है, यानी तब्दीली आ जाती है। मान लीजिए दोस्त, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हरकत कर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, और ये देखिए पहले ये ऐसे हरकत कर, अब ये ऐसे, तो यहां पे क्या हुआ है, यानी पहले जो था इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम थी, अब क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, कम से ज्यादा हो गई, तो वेलोसिटी में क्या हुई, चेंज आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए, अगर ये गाड़ी ऐसे जा रही है फिर इस तरफ जाती है, यानी पहले ये सिमत में जा रही है फिर इस तरफ जाती है, तो ये क्या हुआ है, वेलोसिटी की सिमत तब्दील हुई है। यानी यहां से हमने ये कॉन्सेप्ट जान लिया है कि जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों तब्दील होती है, तो वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है और जिसके नतीजा में एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब दोस्तों, हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन से क्या मुराद ली जाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन velocity is called acceleration, ठीक है, is called acceleration। अब दोस्तों acceleration को मालूम करने का हिसाबी फार्मूला लिख लेते हैं कि acceleration is equal to change in velocity, change in velocity upon time taken, ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी आने में जितना टाइम लगा है वो हम लोग यहां पे पुट करेंगे, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमको फाइंड हो जाएगा। अब ये चेंज इन वेलोसिटी अगर हमने मालूम करना है तो हमको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी मींस हमको इब्तदाई वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी का किसी भी ऑब्जेक्ट की पता होना चाहिए, ताकि हम लोग चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सके। मान लीजिए ये गाड़ी है यहां पे खड़ी हुई है और ये हाउस में है, ठीक है, हाउस से इसने जाना है स्कूल में, ठीक है, आप लोग बैठ चुके हैं इस गाड़ी में, गाड़ी ऑन हो गई है, तो पहले ये गाड़ी क्या है, रेस्ट की हालत में है, ठीक है। तो अब यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है इस गाड़ी की वो क्या है, वो है सिफर, ठीक होगी बात। उसके बाद गाड़ी ने हरकत करना शुरू की तो इसकी वेलोसिटी में क्या आई है,
चेंज आ रही है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल से बढ़ती बढ़ती, मान लीजिए यहां पे थी और आपको टाइम गुजरा 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड के बाद मान लीजिए 15 मीटर/सेकंड हो जाती है आपकी गाड़ी की वेलोसिटी। तो यहां पे आगे जब आप लोग स्कूल में पहुंचते हो यहां पे, तो कम होती होती क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, फिर क्या हो जाती है सिफर हो जाती है। तो यहां पे इस मुकाम पे जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी 15 मीटर/सेकंड, पीक पे थी यहां पे और क्या होगी कम। अब ये जो है यहां पे चेंज इन वेलोसिटी जब हमने फाइंड करना है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी जिसको vf से रिप्रेजेंट किया जाता है, मनफी कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी ये देखें अब यहां से यहां तक गाड़ी जब पहुंची थी तो वेलोसिटी सिफर से बढ़कर 15 मीटर/सेकंड हो गई थी, और इस 15 मीटर/सेकंड होने में जो वक्त है वो कितना लगा था 5 सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है, और कम होते होते यहां पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सिफर होगी। अगर हम बात करें कि एक गाड़ी 15 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही थी, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर/सेकंड, और कम होके गाड़ी क्या होती है रुक जाती है, फाइनल क्या हो गई सिफर हो गई है। और इसको कितने मिनट लगे हैं, इसको हो सकता है 2 सेकंड लगे, हो सकता है 15, ठीक है। तो यहां पे हमको फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में आ चुका है, और इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी माइंड में आ चुका है। तो फाइनल में से हमने इनिशियल निकालनी है और इसको टाइम टेकन पर हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो है वो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आएगा। अब दोस्तों यहां पे चेंज इन वेलोसिटी, यानी जब हम लोग फाइनल वेलोसिटी जो कि 15 है 15 है, इसमें से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी सिफर निकालेंगे अपॉन टाइम कितना लगा था इस सिचुएशन में यहां पे 5 सेकंड, तो यहां पे आ गया 15/5=3। अब ये जो आया है यहां पे चेंज इन वेलोसिटी अगेन वेलोसिटी होता है, ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी को वेलोसिटी ही निकलाई गया है, तो यहां पे इसका यूनिट होता है वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड, और इसको हम लोग जो टाइम है जिस पे डिवाइड किया उसका यूनिट क्या है उसका है सेकंड, और ये होगा यहां पे 3 मीटर/सेकंड/सेकंड। यानी ये 2 होने की वजह से ना, मनफी 2 होने की वजह से इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे कि मीटर/सेकंड/सेकंड। तो लिहाजा जो वेलोसिटी है सॉरी जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट होगा मीटर/सेकंड/सेकंड। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की, और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में फर्स्ट जो हमने डिफाइन करनी है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जो सेकंड टाइप है एक्सेलरेशन की वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये 2 टाइप्स है एक्सेलरेशन की, और इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल वाज़ह तौर पर होना चाहिए। उसके बाद एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा ये हम लोग जान लेते हैं, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। मान लीजिए यहां पे ये गाड़ी है और ये गाड़ी हाउस में रुकी हुई है रेस्ट की हालत में है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है सिफर है मीटर/सेकंड। अब यहां से ये हरकत करना शुरू कर रही, तो अब इसकी स्पीड में क्या हो रहा है अजाफा होते होते मान लीजिए यहां पे 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर/सेकंड। यानी पहले गाड़ी जो है रेस्ट में थी और गाड़ी ने जब हरकत करना शुरू की तो इसकी वेलोसिटी में अजाफा होना शुरू हो गया, और जब इसकी वेलोसिटी में अजाफा हो रहा था तो यहां पे जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। यानी यहां पे जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन क्या है वो पॉजिटिव है। द
डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज सेम, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी टू द डायरेक्शन ऑफ टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट मूव या मूविंग, ठीक है। यानी जो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट के, अगर तो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है और यहां पे वेलोसिटी में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो पॉजिटिव होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो इसी सिमत में होगी जिस सिमत में ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, ठीक है। यानी यहां पे ये एक्सेलरेशन पैदा हुआ है तो वेलोसिटी भी क्या है उसी सिमत में है जिस सिमत में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है हरकत कर रहा है। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हासिल कर ली थी यहां पे 5 सेकंड में, और 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड में बतदरीज कमी होना शुरू हो गई। अब जिस पॉइंट से कमी होना शुरू हुई यानी यहां पे ये जो फाइनल थी ये क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है 30 मीटर पर सेकंड, और कम होते होते जैसे ही गाड़ी स्कूल के पास ऐसे पहुंचेगी तो कम होते होते गाड़ी जब रुक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है वो हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे क्या हुआ है कि गाड़ी जो है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही थी और जैसे ही स्कूल में पहुंची तो इसकी वेलोसिटी में कमी होते होते ये रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा उस वक्त जब वेलोसिटी में कमी हो रही होगी तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। यानी आप लोग लिखेंगे यहां पे कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस डिक्रीजेस अगर वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यानी जो एक्सेलरेशन, अब देखें यहां पे जब गाड़ी जा रही थी स्कूल के पास तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कमी हो रही है, जब रुक गई है तो 0 हो चुकी है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ था नेगेटिव उसकी सिम्मत जो है वो कहता है कि गाड़ी अगर देखें किस सिम्मत में जा रही, गाड़ी इस सिम्मत में जा रही तो डायरेक्शन की सिम्मत क्या होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन की, ये ठीक है। यानी यहां से आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि अगर तो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव तो वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होगा और जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी सिम्मत जो है गाड़ी की हरकत की सिम्मत की तरफ ही होगी। लेकिन अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फिर क्या होगा जो वेलोसिटी है वो क्या होगी डिक्रीज हो रही होगी और जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी सिम्मत जो है गाड़ी की सिम्मत के मुखालिफ होगी। तो ये दो टाइप्स थी एक्सेलरेशन की, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लेना, ये अहम क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ये मैंने ग्राफ बना दी, ये बच्चों है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है।
एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे वेलोसिटी। ठीक होगी बात। अब इसको हम इक्वल इंटरवल में तकसीम कर देते हैं, यानी टाइम के ये मैंने क्या किए हैं, एक्स एक्सिस पर इक्वल इंटरवल बना दिए हैं। ये 5 सेकंड है मान लीजिए यहां से यहां तक वक्फा, और ये 10 सेकंड आ गए, 15 सेकंड, 20 सेकंड, और यहां पे 25 और ये 30। ये वक्त के क्या है, इक्वल इंटरवल है। ठीक है, इक्वल इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम्स, इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम्स उर्दू में आप लोग इनको कहेंगे वक्त के वक्फे। और यहां पे मैं ये स्पीड, सॉरी वेलोसिटी बना रहा हूं, ये वेलोसिटी, ये भी मैंने क्या किया इक्वल, यानी ये 2 मीटर फी सेकंड और ये 4 मीटर फी सेकंड और ये जो है ये 6 मीटर फी सेकंड, 8 मीटर फी सेकंड और ये यहां पे 10 मीटर फी सेकंड। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वेलोसिटी है। अब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसको समझना है। अब दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, इक्वल इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इस बात को आप समझते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स ये हैं। मान लीजिए गाड़ी पहले 5 सेकंड में जो फास्ट जो वेलोसिटी हासिल करती है, यानी पहले गाड़ी रेस्ट में थी और पहले 5 सेकंड जब इसने ड्राइव किया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 2 मीटर फी सेकंड। ठीक है, अगले जब 5 सेकंड गुजरते हैं ये वाले, ठीक है, यानी 5 से आगे ये 5 गुजरेंगे तो 10 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 से आगे 2 मीटर फी सेकंड अगर वेलोसिटी हासिल कर लेती है उससे अगले 5 सेकंड में, ठीक है, उससे अगले 5 सेकंड में भी अगर गाड़ी 2 जो है मीटर फी सेकंड की ही वेलोसिटी हासिल करती है, उससे अगले 5 सेकंड में भी अगर गाड़ी 8 मीटर, तो देखिए यहां पे यानी वक्त में, वक्त के मसावी वक्फे में 5-5 सेकंड का इजाफा हो रहा है और वेलोसिटी के में देखें कितने का इजाफा है, 2-2 का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस ग्राफ से बात जाहिर हो रही है कि अगर किसी जिस्म के वक्त के मसावी वक्फों में जो वेलोसिटी में तब्दीली है वो मसावी आए तो फिर उस जिस्म में पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप दोस्तों आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ पाए हो कि वक्त के मसावी वक्फों में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करे, उसकी वेलोसिटी में मसावी तब्दीली आए तो फिर उस ऑब्जेक्ट की में पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। दोस्तों प्रॉब्लम को हल करते हैं, प्रॉब्लम को, ठीक है, और प्रॉब्लम को पहले समझे आप लोग, जिस तरह से है मान लीजिए कहता है प्रॉब्लम में कि कार है, ये मैंने कार ड्रा कर दी, ठीक है, अब ये कार कहता है प्रॉब्लम में रेस्ट में, ठीक है, यानी ये हरकत नहीं कर रही, खड़ी हुई है अपनी जगह पे, और इसकी जब ये खड़ी हुई है रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद कहता है कि 8 सेकंड के बाद ये गाड़ी हरकत करना शुरू करती है ना, तो यहां पे पहुंच जाती होगी 8 सेकंड के बाद, कहता है कि 8 सेकंड के बाद ये गाड़ी क्या करती है, 20 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है, लिहाजा यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब क्या कहते हैं, इस पे फाइंड करें कि इस गाड़ी में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो यहां से देखें दोस्तों कि गाड़ी जब हरकत करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या, 0 और फाइनल क्या हुआ, वेलोसिटी में इजाफा, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब यहां पे वो फैक्ट हम लिख लेते हैं जो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी गिवन है प्रॉब्लम में 20 मीटर,
सेकंड। उसके बाद एक्सोरेशन हमने मालूम करना है, टाइम टेकन जो है वो गिवन है वो है 8 सेकंड। सॉल्यूशन हमने निकालना है इस प्रॉब्लम का, तो याद कीजिए बच्चों अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि एक्सोरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो फार्मूला है हमको इस ऑब्जेक्ट की एवरेज एक्सोरेशन फाइंड करके देगा। तो यहां पे जो फाइनल है 20, इनिशियल है 20 और टाइम जो है 8, तो ये हो जाएगा 20/8। तो अब बच्चों हमने यहां पे 20 को 8 पर डिवाइड करना है तो 2.5। एक्सोरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ये हमारे प्रॉब्लम का हल होगा। 2 हल करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 2 को पहले आप लोग अंडरस्टैंड करें। कहता है कि एक कार है, ये मान लीजिए ये कार है, और ये कार जो है ना हरकत कर रही, और इसकी जब हरकत हो रही है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो है कितनी, यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी हरकत कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक होगी बात। उसके बाद ये 5 सेकंड के बाद, यानी जब हरकत कर रही है 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो है ना वो कम होके हो जाती है 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी यहां पे क्या हुई है, 15 मीटर प्रति सेकंड फाइनल हो गई। पहले ये थी और फिर ये हो गई, और कितने सेकंड के बाद हुई है, ये हुई है 5 सेकंड के बाद। ठीक है, अब देखिए यहां पे वेलोसिटी में क्या हुई है, कमी हुई है ना, पहले 30 थी अब कितनी हो गई है, 15 हो गई है, तो क्या हुई है, कमी। अगर कमी हुई है तो एक्सेलरेशन कौन सा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसको क्या कहते हैं, रिटार्डक्शन भी कहते हैं। अब वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो कि गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर प्रति सेकंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है वो है 15 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद टाइम टेकन गिवन है वो है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं जी इसको हल करते हैं। अब ये हमको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो है फाइनल, फाइनल है 15, यानी हम एक बार फार्मूला कंप्लीट लिख लेते हैं, vf - vi अपॉन टाइम टेकन। अब यहां पे vf कितना है, vf है 15 - vi 13 अपॉन यहां पे 5। अब इसके बाद -15/5, अब ये से कैंसिल और यहां पे आ गया -3। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब यहां पे जो ये मनफी की अलामत है ये रिप्रेजेंट करती है रिटार्डक्शन होगा, यहां पे रिटार्डक्शन जो होगा वो बच्चों होगा यहां पे 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर करने से वीडियो ज्यादा दोस्तों तक पहुंच पाएगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।